नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय एक बेहद ही दुखद खबर आपको बताने जा रहा हूं। लगातार दिल्ली में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, यह अपने आप में दिल्ली के निवासियों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। पिछले कई महीनों से लूटपाट की घटना, मर्डर की घटना या चाकूबाजी की घटना लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आनंद पर्वत से आपको फिर देखने को मिलता है। जी हाँ, शनिवार को 8 बजे एक डिलीवरी बॉय जब अपने काम से घर लौट रहा था तो उसके ऊपर करीब 8 से 10 लोगों ने धारदार हथियार से उसपे अटैक किया, उसपे चाकू से अटैक किया, जिससे उसकी हॉस्पिटल में ले जाते रहते मौत हो गई। और साथ ही साथ उसको पिछले काफी दिनों से ट्रैक किया जा रहा था। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उसकी आसपास के रहने वाले लोगों से कहा सुनी हुई थी, क्योंकि जिनके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं वो उसी गली के निवासी हैं और वो लोग बताया जा रहा है कि वो नशे के आदी हैं, अक्सर नशा करते हैं गली के चौराहे या गलियों के अंदर खड़े होके। इसी के लिए एक दो बार कहा सुनी हुई है। और यह व्यक्ति है करण, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है, जिसके ऊपर चाकू से अटैक किया गया। जब वो अपने घर आ रहा था तो उसको जब इन्होंने घेर के उस पर अटैक किया तो उसकी फैमिली के करीब 3 लोग और गए, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी थे। जब वो गए तो उनके ऊपर भी लाठी और डंडों से वार किया गया, जिससे वो 3 लोग भी घायल हो गए, यानी इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं और इन 3 का फिलहाल इलाज चल रहा है। और एक व्यक्ति करण, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर क्या और कैसे हुआ था। आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है जो 1 अप्रैल 2023 की है और आपको इसमें समय भी दिखाई देगा। यह 8 बजे की घटना है जब करण नाम का व्यक्ति, जो कि 22 साल का है, जो वो अपने काम से अपनी ऑफिस से लौट रहा था, वो जब घर की तरफ आ रहा था तो उसकी गली के बाहर ही करीब 8 से 10 हथियारबंद लोगों ने उसको घेर लिया। इसका पूरा वाक्य हम बताते हैं कि असल में हुआ क्या था। कुछ समय पहले ही इनकी लड़ाई हुई थी करण से और इसके बाद गली मोहल्ले की बात थी तो आपस में बैठ के इस मामले को खत्म कर लिया गया। मगर इन लोगों ने फिर दोबारा उस पे 1 अप्रैल को करीब रात के 8 बजे उस पे फिर हमला किया। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 8 से 10 लड़के उसका ही इंतजार कर रहे हैं, करण का इंतजार कर रहे हैं जब वो घर पे आने वाला था। और आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा इनके हाथ में डंडे और इस तरीके के हथियार भी हैं। जब वो घर लौट रहा था तो उसको उसी की गली में घेर लिया गया और लाठी डंडों से उस पर वार किया गया और साथ ही साथ उस पर लगातार चाकुओं से भी वार किया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। उसको बचाने उसके परिवार के 3 सदस्य जब जाते हैं तो उन पे भी लाठी डंडों से और चाकुओं से वार किया जाता है। आप देखिए किस तरीके से यहां से पूरी प्लानिंग के तहत इस काम को, इस घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं करण की, जो कि 22 वर्षीय युवक था। आप खुद देखिए उसकी ये तस्वीर, यही वो करण है जिसकी इस घटना में मृत्यु हो गई है। जब वो अपने घर लौट रहा था तो उसके ऊपर जब धारदार हथियारों से अटैक किया गया तो यहां पे देखिए उसको ले जाने लगे हॉस्पिटल, मगर उसकी हॉस्पिटल ले आते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जहां पे उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह आनंद पर्वत की घटना है और यह शनिवार का मामला है। करीब 8 बजे यह घटना होती है, 8:30 बजे पीसीआर को कॉल जाती है। आनंद फानंद में इन सबको हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पे करण की मृत्यु हो जाती है और 3 लोग घायल इस घटना में बताए जाते हैं। यह पुरानी रंजिश है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इनकी लड़ाई हुई थी, गली मोहल्ले का मामला था, मगर आपसी बीच बचाव करके एरिया के लोगों ने इस मामले को खत्म कर दिया। मगर इनके अंदर गुस्सा था और इन्होंने 1 अप्रैल को उसका हमला करके उसको मौत के घाट उतार दिया। करण का क्या हुआ?
अभी आपने जो खबर देखी है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में किस तरीके से इस समय कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। कानून नाम की कोई डर किसी व्यक्ति के अंदर अब नहीं बचा। सरेआम लोग एक दूसरे को चाकू से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं और एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में पुलिस का डर अब उन लोगों के अंदर नहीं रहा जो इस तरीके की हरकत करते हैं। हम आपको कई खबर ऐसी दिखा चुके हैं और लगातार आप खबर ऐसी सुनते भी होंगे कि दिल्ली में किस तरीके से इस समय माहौल बना हुआ है। लोग एक दूसरे को जजा सी बातों पे चाकू से उस पर हमला करते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और उसकी जान तक लेने पे उतारू रहते हैं। लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान उठाता है, लगाता है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, कानून का डर इन लोगों के अंदर क्यों नहीं है। अब जैसा कि परिवार का एक सदस्य चला गया, तीन लोग घायल हैं, तो अब इस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, आगे कार्रवाई कर रही है। मगर दिल्ली पुलिस को भी सोचना होगा कि अब कुछ नए सिरे से काम किया जाए ताकि लोगों के अंदर कानून व्यवस्था नाम की जो चीज है वो कायम हो, लोग कानून को माने, उसका पालन करें और ऐसी घटनाएं दोबारा दिल्ली में ना हो। एनभार टीवी दिल्ली।